बेसिकली आज हम बात करेंगे फॉर्मूला वार के अंदर इंफॉर्मेशन कैटेगरी का जो फॉर्मूला होता है इसके बारे में। इंफॉर्मेशन कैटेगरी जस्ट आपको इन्फॉर्म करती है। उससे पहले कुछ डेटा एनालिटिक्स के पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहां पे हम बात करेंगे मैक्सिमम, किसी भी कॉलम में से मैक्सिमम नंबर चाहिए तो हम यहां पे क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मैक्स का। मैक्स फॉर्मूला आपको पूरी की पूरी मैक्सिमम निकाल देती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम फॉर्मूला आपकी मैक्सिमम निकालती है। फिर आता है हमारे पास मिन का फॉर्मूला, मिनिमम जो है आपका मिनिमम निकाल कर देता है। ठीक है सर, मैक्सिमम मैक्सिमम निकाल के देती है और मिनिमम मिनिमम निकाल के देती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे मिनिमम नंबर नहीं चाहिए। और ना ही मैक्सिमम चाहिए, मुझे चाहिए टॉप। तो मुझे ना मैक्सिमम नंबर, यहाँ मैक्स से तो मैक्स निकाल देते हैं और मिन से यहाँ मिन निकाल देते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे टॉप का चाहिए कि मैं यहाँ पे अगर टॉप 5 करूँ तो टॉप 5 का मुझे यहाँ पे आना चाहिए रिजल्ट। क्या आना चाहिए, टॉप 5। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 एंड 5। और यहाँ हम जो है देते हैं फॉर्मूला लार्ज का। लार्ज फॉर्मूला इसमें से आपका लार्जर, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया 1, तो लार्ज फॉर्मूला लार्ज बता देता है। नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये बता देगा आपको कि सबसे हाईएस्ट, उससे कम, उससे कम। अब सब में 20 आ रहा है क्योंकि रिपीट है। मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ, यहाँ पे 27 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 90 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 85 कर देता हूँ। तो देखिए हाईएस्ट यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है सर, हाईएस्ट आ गया समझ में। हाईएस्ट के बाद हम बात करेंगे लोवेस्ट का, मतलब कि मैक्सिमम फॉर्मूला से आप मैक्स निकाल लेते हैं और लार्ज से आप सीक्वेंस निकाल लें, लेकिन इसी के अपोजिट मुझे स्मॉल चाहिए। तो यहां मैं स्मॉल फॉर्मूला लगाएंगे, अपने कॉलम को सेलेक्ट करेंगे यानी कॉमा, हम नंबर देंगे कि कितना नंबर स्मॉल आ रहा है। तो आप देखिए 1, अब सब में 1 आ रहा है क्योंकि 1 कई बार रिपीटेड है, इसलिए सबसे छोटा आपको 1 दिख रहा है। जी हाँ, 1 कई बार। अब यहाँ पे 0.5 कर दूं, 0.3 कर दूं, तो आप देखेंगे कि आपका स्मॉलिंग इस तरह से आ गया। स्मॉल फॉर्मूला आपका स्मॉल दिखा देता है लोवेस्ट सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो मिन और मैक्स के जगह पे आपको मान लीजिए थर्ड थर्ड चाहिए, आपको फोर्थ चाहिए, आपको फिफ्थ चाहिए, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। समझ आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए कि 18 नंबर है, तो मेरे पास, मैंने यहाँ पे 18 नंबर है, मुझे इसका रैंक चाहिए कि लार्जेस्ट पे या स्मॉलेस्ट पे इसका रैंक क्या है। तो हमारे पास रैंक नाम के भी फॉर्मूले होते हैं। जी हाँ, रैंक, तो रैंक एवरेज को सिलेक्ट करते हैं हम, नंबर को सिलेक्ट किए एंड कॉमा, हमने नहीं यहाँ उल्टा कर दिया हमने, हम पहले नंबर सेलेक्ट करेंगे, देन रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, देन ऑर्डर कि डिसेंडिंग चाहिए या असेंडिंग चाहिए। तो मैं 0 कर दिया, डिसेंडिंग मतलब कि 46.5 एवरेज रैंक है। अगर मैं एवरेज हटा दूँ, सिर्फ रैंक करूँ, तो ये एग्जैक्ट बताएगा कि 38 इसका रैंक है। तो रैंक निकालने के लिए हम रैंक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर सर, इसमें कोई डाउट फॉर्मूला में? ठीक है,
रैंक फॉर्मूला के बाद आगे बढ़ते हैं। मुझे पूजा अब मान लीजिए कि मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो आपने बताया, मैंने बताया आपको कि मैक्स फॉर्मूला ओवरऑल मैक्सिमम निकाल देता है, लेकिन मुझे पूजा का मैक्स चाहिए। जैसे हमने सम इफ का फॉर्मूला लगाया था कि पूजा का सम निकाल देता है, ऐसे मुझे पूजा का मैक्सिमम नंबर चाहिए। तो पूजा की मैक्सिमम नंबर के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मैक्स इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। जी हाँ, मैक्स इफ, मैक्स इफ्स, उसके बाद मैक्स रेंज, बिल्कुल सम इफ्स की तरह होता है, क्राइटेरिया वन रेंज एंड क्राइटेरिया वन, जो जो सम इफ्स में यूज होता है वो सेम चीज यहां यूज होता है मैक्स में। ये आपका मैक्स इफ का फॉर्मूला लगता है। तो मैक्सिमम फॉर्मूला मैक्सिमम नंबर देता है, मैक्स इफ विद कंडीशन कि पूजा का मैक्स लेता है। उसी तरह से अगर आपको मिनिमम चाहिए कि मुझे पूजा का मिनिमम वैल्यू पता चल जाए, तो मिन इफ्स लगता है, मिन इफ्स की मदद से आप जो है निकाल सकते हो। तो बिल्कुल सम इफ की तरह लगता है। सबसे पहले क्राइटेरिया रेंज, किसका मिनिमम निकालना है, फिर आता है किसमें मैच करना है, तो मुझे नेम में मैच करना है, क्या मैच करना है, तो नेम को मैच करना है। सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो आप देखिए यहां पे आपके सामने रिजल्ट आ गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, राइट सर। अब डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने रीजन, कस्टमर टाइप, यूनिट सब लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे चाहिए दिल्ली में न्यू कस्टमर, और फिर मुझे चाहिए रवि जिसकी यूनिट ग्रेटर देन 50 है, और मुझे चाहिए यहाँ पे पटना जो कि ओल्ड कस्टमर, रिपीट कस्टमर, REFT रैप्ड, ठीक है, इसका सम चाहिए, क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिए कि मेरे पास एक डेटा है, छोटा सा डेटा है, और मुझे इस डेटा में से इस सबों का टोटल चाहिए। अब यहाँ इंडिविजुअल टोटल चाहिए होता तो मैं इस पे सम इफ्स लगा देता, पर प्रॉब्लम क्या है कि सम इफ्स आपको वन बाई इसका लगाना होगा, फिर इसका, क्योंकि अलग अलग लगाना होगा, सबकी अलग अलग क्राइटेरिया है, किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन मुझे तीनों का सारा का इकट्ठा टोटल चाहिए। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट में, डी सम का फॉर्मूला। डी सम में हम अपना डेटाबेस को पहले सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ फील्ड, किस फील्ड का चाहिए, तो मुझे यूनिट का टोटल चाहिए, तो मैं यूनिट को सिलेक्ट करना है और क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया। ध्यान रखिएगा क्राइटेरिया इसी फॉर्मेट में होने चाहिए और क्राइटेरिया के ऊपर जो हेडिंग है वो हेडिंग होना चाहिए। जब आप इसको एंटर प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि 2.8 इसका टोटल आया, ठीक है सर। यहाँ पर सिर्फ यूनिट का जो हेडिंग है सर, उसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं, हाँ, या पूरा नीचे तक स्लाइड किए हैं सर? नहीं, सिर्फ यूनिट फील्ड नेम। ओके सर, ठीक है। डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला की खासियत यह है कि जैसे आपने यहाँ पे डी सम लगाया है, ऐसे ही आप बाकी सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे डी एवरेज निकालना है, तो डी एवरेज यहाँ पे, डी एवरेज मैंने यहाँ पे लगा दिया और हमने अपना डेटा को सिलेक्ट कर लिया, और किस फील्ड का एवरेज निकालना है उसका सिर्फ फील्ड का हेडिंग आप यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो, या इन्वर्टेड कॉमा में उसका सेम लिख भी सकते हो, पूरा रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और अपना क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे क्राइटेरिया सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे, ये देखिए डी एवरेज आ गया। ऐसे मान लीजिए मुझे डी काउंट निकालने, तो सारे फॉर्मूले एक जैसे लगते हैं, सिर्फ एक जैसे, और क्राइटेरिया सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए।
एंटर प्रेस करते ही आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। सर ये काउंट क्या क्या है सर? काउंट इसने यूनिट को काउंट किया ना, हमने क्या दिया है फील्ड में, जो फील्ड आप देंगे उसी को काउंट करेगा, ठीक है, या सम करेगा या एवरेज करेगा या मिनिमम करेगा या मैक्सिमम करेगा, एनीथिंग जो भी करेगा वो सिर्फ जो आपने दिया है उसी का करेगा, ठीक है सर। काउंट का मतलब सर कि यूनिट में कितना नंबर वो काउंट किया है या क्या कितना किया सर, ये नहीं है, पता इस चला। कंडीशंस में कितने हैं, कितने इंट्रीज है। अब मान लीजिए कि हमने 18, देखिए यहाँ पे 18 और 10 और 18 आप सम करेंगे तब ये 18 होगा, 10 और 8 18 होगा, अगर आप काउंट करेंगे तो 2 होगा। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। अब इसी में जी 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 रिपीट को ये नहीं दिया। हाँ, अब एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ लुक मैच करने हैं, लुकअप करने हैं, जैसे मैंने बोला कि मनाली में पुनीत जो है न्यू, इसकी यूनिट कितनी है ये हमें लुकअप करना है। ध्यान से देखिए मुझे क्या करना है, मुझे यूनिट को लुकअप करना है कि मनाली में पुनीत के न्यू के कितने यूनिट है। तो जनरली वी लुकअप लगाते हैं, लेकिन वी लुकअप में तो सिंगल कंडीशन होता है ना, या मल्टीपल कंडीशन के लिए हम देंगे फॉर्मूला यूनिट इसका डी गेट का। डी गेट में हमने अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ चाहिए क्या, तो यूनिट चाहिए, क्योंकि ये भी उसी तरीके से लगेगा। और फिर हमने पूरा का पूरा अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे नम का एरर आया क्योंकि ये मनाली और ये पुनीत जो है रिपीटेड है, क्या है, रिपीटेड है। अब मान लीजिए पुनीत के जगह पे मैं अपना नाम सुजीत लिख देता हूँ, अब यहाँ जैसे ही सुजीत करूंगा डेटा लुकअप कर देगा, क्योंकि सुजीत जो है वो यूनिक है, इसीलिए इतना पॉपुलर नहीं हुआ, वरना वी लुकअप से ज्यादा ए पॉपुलर होता, समझे सर? जी सर। तो डी गेट का फॉर्मूला है। तो अब यहां मैंने बताया आपको कि फंक्शंस में जाएंगे, फंक्शन में जाने के बाद एक इंफॉर्मेशन फॉर्मूला ने यहाँ पे मैथ किया था स्टैटिकल। स्टैटिकल फॉर्मूला में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि स्टैटिकल नहीं सॉरी इसमें है आपका डेटाबेस। हाँ, डेटाबेस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले लगते एक जैसे हैं, जो तरीका है आपको मैंने बताया, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अलग अलग तरीके से रिजल्ट देता है। इस सारे फॉर्मूले को ट्राई कर लीजिए आज, ठीक है, फिर कल हम अपनी अपनी लास्ट कैटेगरी वाइज फॉर्मूले की लास्ट क्लास लेंगे, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे एडवांस फॉर्मूले पे, ठीक है सर? सर ये ऑफिस में जो अटेंडेंस